नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं इस समय रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सतना एसपी धर्मवीर सिंह यादव का एक खत आया है, जिसमें उन्होंने एक पुलिसकर्मी को निलंबित करने की बात कही। पूरा मामला मैं आपको बताऊं। पिछले दिनों राजस्थान से लाई गई शराब अमरपाटन, सतना के अमरपाटन में पकड़ी गई। उस घटना में कुछ पुलिस कर्मियों का भी नाम सामने आया था। 35 पेटी शराब थी, 4 लाख रुपए के आसपास की रकम। पुलिस को जब सतना एसपी को जब इस बारे में जानकारी मिले, उन्होंने एक टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद उसमें कुछ पुलिस कर्मियों का नाम आया था। सतना पुलिस कर्मी को तो सतना एसपी ने तत्काल निलंबित कर दिया है। रीवा के पुलिस कर्मी को, जिसकी इसमें एक भूमिका भी पाई गई थी, उसको निलंबित करने के लिए सतना एसपी ने रीवा एसपी को लिखा है। मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सतना एसपी ने क्या कहा, पहले वो सुनाता हूँ, बताता हूँ आपको इस पूरे मामले में सतना एसपी ने पत्रकारों को क्या कुछ बताया। थाना अमरपाटन में राजस्थान के भरतपुर से लाई हुई इल्लीगल शराब पकड़ी गई थी। उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में 69 पेटी शराब सीज हुई थी। उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए कि उस इल्लीगल शराब को कुछ पुलिस कर्मचारियों के द्वारा रात्रि में रोका गया और उसके बदले में कुछ एक्सटॉर्शन किया गया है। तो उसमें जो फैक्ट्स आए हैं उसके आधार पर हमने कोतवाली में केस रजिस्टर किया है। उसमें एक्सटॉर्शन और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इन धाराओं में केस रजिस्टर किया है। इसमें दो पुलिस कर्मचारी मयंक मिश्रा और एक रीवा का पुलिस कर्मचारी है द्विवेदी, इसके अलावा एक प्राइवेट व्यक्ति वीरेंद्र द्विवेदी है। तीन लोगों के मिश्र केस रजिस्टर किया है। केस की इन्वेस्टिगेशन राजपत्रित अधिकारी को दी गई है। गंभीरता से हमने इसको लिया है, इसीलिए हमने इमीडिएट जो भी फैक्ट्स आए उनका संज्ञान लेके क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर किया है। जो इसमें पुलिसकर्मी शामिल थे उनको निलंबित किया है। विभागीय कार्रवाई भी करेंगे, साथ में जो एविडेंस आएगा उसके आधार पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। कल केस रजिस्टर्ड हुआ है और इसमें एविडेंस अभी कलेक्शन कर रहे हैं। जैसे एविडेंस आएगा उसमें दस्तरी कार्रवाई की जाएगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।